प्रदेश सरकार की अनदेखी के कारण आज भी छात्र 13 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर। सिलाई क्षेत्र की 3 पंचायतें जिसमें जामना पंचायत, सरली पंचायत और साबका पंचायत के स्कूली व कॉलेज के विद्यार्थियों को लगभग 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे कॉलेज के छात्र उठकर पैदल शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना का विषय यह है कि प्रदेश सरकार हर साल नई बसें लाती हैं और ऐसे रोडों पर चला रही है जहाँ पर पहले भी दर्जनों बसें चल रही हैं। अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों की तो आज भी बिना बसों के लोग सफ़र कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक प्राइवेट बस चलती थी लेकिन पिछले कई समय से वह भी बंद हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ के स्कूली बच्चे और बुजुर्गों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे पैदल जाकर अपने कार्य के लिए पहुँच रहे हैं। कॉलेज छात्रा ने कहा कि हमारे पंचायत में बस ना होने के कारण हमें पैदल चलना पड़ता है, हमें रास्ते में कोई भी साधन नहीं मिलता, जंगल के रास्ते से हमें गुजरना पड़ता है, ऐसे में जंगली जानवर और बिगड़े माहौल से हमें डर लगता है। कई बार पैदल चलकर हम विद्यालय में देर से भी पहुंचते हैं, फिर समय से क्लास भी नहीं लगा पा रहे हैं। इन दिनों हमारी परीक्षाएं भी नज़दीक है जिसके कारण हमें परीक्षा देने में भी समस्या हो सकती है, और कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा करे ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ना मस्त बस से आती हूँ, वहाँ से मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ से हमें सुबह एक बस मिलती है और वो बस भी सुबह 7 बजे आती है और 7 बजे के बाद हमें वहाँ से कोई भी बस नहीं मिलती। वो बस जब तक हम रोड पे पहुँचते हैं वो बस भी निकल जाती है और जिसके कारण हमें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमें और कोई साधन नहीं मिलता वहाँ से आने के लिए। कई बच्चे तो इतनी दूर दूर से आते हैं कि उन्हें 15-20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है और बाकी एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं और एग्जाम पे हमें कोई भी साधन नहीं मिलता आने जाने के लिए, तो एग्जाम भी छूट सकते हैं। तो वहाँ से हमें और कोई साधन नहीं मिलता आने जाने के लिए, तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि हमारे लिए कोई बस बस लगा दी जाए ताकि हम टाइम से कॉलेज पहुँच सके, हम अपने एग्जाम दे सके। और नहीं तो अगर सरकार हमारी इस बात पर भी ध्यान नहीं देती, अमल नहीं करती, नहीं तो हम धरने पर उतर जाएंगे। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारी इस बात पर अमल करें। वो किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पे? हम कफोटा महाविद्यालय की छात्र छात्राएं हैं। हमारे कॉलेज में मस्तभुज इलाके से कई सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने आते हैं, उनके लिए बस की उचित सुविधा नहीं है जिसके कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रतिदिन रोज़ 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। स्पेशली लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रास्ते में जंगल आदि पड़ता है जिसके कारण उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। तो मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि उनके लिए बस की उचित सुविधा प्रदान की जाए जिसके कारण उन्हें, और अगर वो प्राइवेट बसेस में आते तो उसमें उनके लिए किराया भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो अगर उन्हें सरकारी बस लगाई जाए तो उसमें उनको फायदा भी होगा, जल्दी से जल्दी वो घर भी पहुँच जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें बस की सुविधा प्रदान की जाए। कॉलेज के छात्र ने कहा, 2 महीने से हमें कॉलेज आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कॉलेज के छात्र व छात्राओं को सरली पंचायत से कॉलेज आने के लिए मजबूरन पैदल चलना पड़ रहा है। हम प्रशासन से यह कहना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सरकारी बस का प्रबंध किया जाए। अगर प्रदेश सरकार ने सभी छात्रों की समस्या का समाधान जल्द नहीं किया तो सभी छात्र कॉलेज परिसर के बाहर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। कॉलेज की छात्रा ने कहा, हमारा जो दूर दराज का इलाका पड़ता है इसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को हर रोज़ लगभग 12 से 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और जंगल का रास्ता भी है जिसमें कि लड़कियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहा, हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकारी बस का प्रबंध किया जाए। कॉलेज कफोटा का छात्र हूँ। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1-2 महीना हो गया है, हमारे छात्र और छात्राएं सरली पंचायत से पैदल चलकर आ रहे हैं जिसके कारण हमें भारी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस बाइट के द्वारा मैं सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द बस की व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन पर उतर जाएंगे। पिछले कुछ 1 महीने से कोई भी बस हमारे लिए समय पर नहीं आ रही है और सरकार से हमारी ये अपील रहेगी कि हमारे लिए सुबह 9:30 या 9 बजे जो बस चलती है उस बस की व्यवस्था करें। कॉलेज के प्रिंसिपल ने
कहा कि लगभग सैकड़ों की तादाद में छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं, पर इन दिनों बस की सुविधा ना होने के कारण छात्रों को पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि लगभग सैकड़ों की तादाद में छात्र और छात्राएं मस्त बोझ से शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं, पर इन दिनों बस की सुविधा ना होने के कारण छात्रों को पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से ज़ोरदार आग्रह किया है कि छात्रों को इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे कभी छात्रों को समस्या का सामना ना करना पड़े। कई दिनों से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ये जामना साइड से जो बसेस सर्विसेज थी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों का कहना है कि जो बस यहाँ 9:15 बजे कपोटा में पहुँचती थी, वो बिना किसी कारण से अब बंद कर दी गई है। अभी महाविद्यालय में परीक्षाओं की तैयारी चल रही है और सेशन बहुत अपने पीक पे हैं, इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा बस ऑपरेटर से और जो भी इसके नियंत्रण करता है कि वो बस को फिर से कंटिन्यू करें, ताकि हमारे छात्र छात्राओं को ये प्रॉब्लम ना आए।